डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अवर न्यू रूल, रूल नंबर 5 इन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है, देखिए वो क्या कहता है. इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, एक अगर कोई नाउन जिसके एंड में ओ आता है, ठीक है, ओ आता है प्रिसीडेड बाय ए वाउल, और उस ओ से पहले, प्रिसीडेड कमिंग पहले, एक वाउल साउंड आती है. वाउल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू, आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस. ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में हम एस ऐड कर देंगे. क्या है, अगर एक नाउन के एंड में ओ दे रखा है और ओ से पहले एक वाउल साउंड दे रखी है, तब हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 पे रेडियो, रेडियो का लास्ट क्या है, ओ, और ओ से पहले क्या दे रखा है हमें, आई, मतलब एक वाउल साउंड दे रखी है. तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम बना देंगे रेडियोज, आर ए डी आई ओ एस. ठीक है, इसी तरह वीडियो, लास्ट में ओ दे रखा है और उससे पहले वाउल साउंड दे रखी है, तो ये बन जाएगा वी आई डी ई ओ एस, वीडियोज. नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो, इसमें भी लास्ट में ओ और ओ से पहले एक वाउल साउंड, तब ये क्या बन जाएगा, एस टी ई आर ई ओ एस. ठीक है, तो हमारा, हमने देखना है कि वाउल से पहले, सॉरी लास्ट जो लेटर ओ दिया हुआ है, ओ से पहले कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट है या वाउल है. तो इसी का हमारा बी पार्ट देखिए, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ, अगर एक नाउन के एंड में ओ आ जाता है, जैसे इन सब के एंड में ओ है, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आ जाती है, आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तब हम उसके एंड में ई एस एड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरो का मतलब देखिए लास्ट में ओ और ओ से पहले आर, आर जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और वाउल साउंड कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू, तब ये बन जाएगा हमारा एच ई आर ओ, क्या ऐड करेंगे हम, ई एस. इस तरह वीटो, ठीक है, ओ है और ओ से पहले क्या दिया हुआ है हमारा, कॉन्सोनेंट, वी ई टी ओ ई एस, वीटोस. इसी तरह एको, इसमें भी लास्ट में ओ, ओ से पहले एच, तब हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस. इसी तरह टमेटो, ओ से पहले टी दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, हम इसके अंदर भी ई एस ऐड कर देंगे. और इसी तरह पटेटो, इसमें भी ओ से पहले टी दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ई एस को ऐड कर देंगे, और इससे ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ओ दिया हुआ है एंड में, ओ से पहले वाउल साउंड है, तब हमने एस ऐड करना है, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, तब हमने ई एस ऐड करना है. ठीक है बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और लर्न करें.